नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूं आशीष राजपूत और आप देख रहे हैं अपना टॉप भारत। और किसान भाइयों, आज इस समय मौजूद है ठटिया मंडी में शिवशंकर ट्रेडिंग कंपनी दुकान नंबर 38 पे। और इस समय जो है किसान भाइयों, दिन का समय है करीबन जो है 4-5 बजे का समय के टाइम पे आलू की बिक्री जो है प्रदीप ठाकुर जी के दुकान पे है। और प्रदीप ठाकुर जी जो है आज बिक्री कर रहे हैं, देख सकते हैं आलू ये है। और इस आलू की बिक्री जो है क्या रेट में होने वाली है वो आपको इसी वीडियो में लाइव बताने वाले हैं। जी को 350 का बताए आपने, 350 रुपए बताए हैं इसका। तो किसान भाइयों, आलू भी देख लीजिए, ये आलू है और इसका रेट जो है दद्दा ने 350 रुपए रखा हुआ है। बताइए साजी, बता भैया। मैं तो 300 मांग रहा हूँ। 300 मांग रहे हैं, तो यार काफी ऊपर नीचे वाला हिसाब है अभी। तो भाई साहब आलू देखो, आलू किसान भाइयों देख सकते हैं, ये भर्ती है, भर्ती भी देख लीजिए और बराबर जो है पीछे आलू लगा हुआ है, बड़ी लाट है। तो कहाँ का आलू है यार? हाँ तो ये है कि अच्छा दद्दा, ये कितने पैकेट लाट है? 137 पैकेट की लाट है। किसान भाइयों देख भी सकते हैं, पीछे मोटी लाट है इसके मतलब। तो भाई साहब बताएं क्या कहाँ तक पहुँचेंगे? 311 लगा दीजिए। क्या दादा? 31 रुपया लगाए। 31, तो किसान भाइयों ठाकुर साहब ने 31 रुपए तक बता दिए हैं, देख सकते हैं 331 रुपए। तो भैया कितने बनाई जाए, तुम बताओ? 31 बनाई जाए, 31 लिखाओ जाए, 25 हम कर लो, चाहे 25 हम कर लो, फैसला क्या भैया कर लो। भैया 25 लिखा यार, अरे 25 लिखा, चलो देव 21। चलिए किसान, फाइनल हुई गई। हाँ फाइनल, 21 रुपए फाइनल ली गई। चलिए किसान भाइयों, तो 321 रुपए में शिवशंकर ट्रेडिंग कंपनी आलू देख सकते हैं, ये आलू है। और इस आलू की बिक्री 321 रुपए में दद्दा ने सुबह कटाई में कर दी है, ये समझ लो। तो दद्दा ये बताएं, आज जो है आलू का भाव क्या क्या रहने वाला? बढ़िया बढ़िया हम क्या खुलता है, 350 से 400 बिकेगा, ये एलटी आलू है तो इसलिए जैसा बाजार तैसा बेचा। अच्छा दद्दा, 10-5 रुपया इनको, मैं बढ़िया व्यापारी है, अगर चाहते तो 10-5 रुपया बढ़ जाता, लेकिन अब हम सोच रहे चलो व्यापारी ठीक है, देव भैया देव, हाँ बढ़िया पैसे लेन देन बढ़िया है इनका ठीक। अच्छा दादा, कल हम आए नहीं तो कल का हमें जरा अपडेट बता दीजिए किसान भाइयों को, कल का अपडेट नहीं मिल पाया। आलू पहले 411, 21, 31 के बिके और उसके बाद 350 से 400 के आलू रहने बिके सब, ज्यादा बाद में ज्यादा गिरावट आई। तो ये है किसान भाइयों, कहीं ना कहीं कल से कुछ, कल ही टूटी है मार्केट से ना, बाहर बाजार है नहीं, बिक्री नहीं रही गई, तीन तीन की गाड़ियां बाजार में खड़ी है बिक नहीं। कल सफेद वाले का रेट रो दादा? कल भाई 250 से 350 जैसे आलू तैसे बिके। अच्छा तो कल जो है किसान भाइयों, कल आपको जानकारी नहीं दे पाए लेकिन आज जो है बताते चले कि कल का जो रेट था वो कहीं ना कहीं लाल आलू 350 से लेके और 400 के बीच में रहा है, और 250 से लेके 350 के अल्ले पल्ले सफेद वाला रहा। तो ये बिक्री किसान भाइयों आपने शिवशंकर ट्रेडिंग कंपनी दुकान नंबर 38 से देखा है ठटिया मंडी से। और इस आलू की बिक्री भी आपने देखी जो 321 रुपए में फाइनल हो गई है। और अभी जो है, हाँ वही है, कहीं ना कहीं देख सकते हैं आलू की कंडीशन भी आप लोग देख लीजिए, ये कंडीशन है। और किसान मिट्टी का आलू ठीक है, हाँ पीली मिट्टी का आलू है, लेकिन ये हाईलैंड भी मिक्सर है, हाईलैंड हाई है, लाल पुखरात किसान निकाला, कतरिया मारी गई, हाँ तो वो एक आधा हाईलैंड मतलब बात बाकी एक आधो बीजा है। तो किसान भाइयों मंडी के, अच्छा दादा कल आमदनी ज्यादा भाई थी का? हाँ आमदनी कल आमदनी, आज भी आएगा आमदनी, कल बढ़िया थी, अच्छी थी, ठीक ठाक। हाँ तो वही कारण भी रहा, अच्छा बाहर की मंडियों में डिमांड खत्म है ये। हाँ, का लोकल में बिहार में भी आलू पैदावार होने लगी है, हर जगह निकल गया। हाँ तो ये है किसान भाइयों मंडी की फिलहाल में आमदनी, अभी की अगर बात करें तो ये आमदनी है, देख भी सकते हैं ठटिया मंडी में ये पोजीशन है अभी अभी का अगर देखें तो। शाम तक अभी आमदनी बढ़ेगी और वो एक शाम का वीडियो जो है आपको लाइव हम करके जरूर दिखाएंगे किसान भाइयों, देख भी सकते हैं। तो अभी का जो बिक्री का रेट था वो लाल आलू जो था, जो हाईलैंड का और मिक्सर था मतलब उसमें, और थोड़ा क्वालिटी का आलू नहीं था, तो इस वजह से 321 रुपये में आलू बिका शिवशंकर ट्रेडिंग कंपनी दुकान नंबर 38 से ठटिया मंडी कन्नौज से। किसान भाइयों ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें और शेयर करें दोस्तों, धन्यवाद।